चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस में खींचतान, मुश्किल में कांग्रेस हाईकमान। कर्नाटक के बाद अब राजस्थान पर ध्यान दे रहा है पार्टी हाईकमान। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के टकराव से हो रहा है नुकसान। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, बढ़ती राजनीतिक सरगर्मियां इस ओर इशारा कर रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस संगठन स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए सरकार भी चुनाव की तैयारी कर रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी की चुनाव मशीन भी काम पर जुट गई है। लेकिन चुनावी साल में कांग्रेस की परेशानी बढ़ती दिख रही है। 4.5 साल पहले जब अशोक गहलोत ने सीएम पद की शपथ ली थी, उसी दिन पार्टी 2 गुटों में बंट गई थी। वैसे राजस्थान कांग्रेस में आधा दर्जन गुट है, लेकिन गहलोत और पायलट के बीच चल रही टकराव के चलते सभी गुट गायब हो गए। सिर्फ इन दोनों का ही झगड़ा मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। हाल ये है कि विपक्ष में बीजेपी है और कई बार बीजेपी के मुद्दे सचिन पायलट उठा देते हैं और अपनी ही सरकार को घेरने का सारा क्रेडिट खुद ही ले लेते हैं। गहलोत सरकार को विपक्ष की ज्यादा पायलट से ज्यादा परेशान कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि कांग्रेस पायलट पर कार्रवाई भी नहीं कर पा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण पायलट की लोकप्रियता को बताया जा रहा है। सचिन पायलट लोकप्रिय है, इसका नजारा वो बार बार दे रहे हैं। हाल ही में पायलट ने अजमेर से जयपुर तक की 125 किलोमीटर पदयात्रा की थी। इस पदयात्रा में जो भीड़ जुटी, उसकी तुलना राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से हो रही है। दावा किया जा रहा है कि पायलट की पदयात्रा में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा उत्साह दिखाई दिया। भीड़ भी उनसे ज्यादा थी, जो पायलट की लोकप्रियता को बता रही है। लेकिन पायलट के तेवर कांग्रेस को परेशान कर रहे हैं। कांग्रेस की दूसरी परेशानी राजस्थान के रिवाज ने बढ़ा रखी है। यहाँ हर 5 साल बाद सत्ता बदल जाती है। बीजेपी को भरोसा है कि कांग्रेस की अंतर्कलह और सत्ता बदलने का रिवाज उसके साथ है। प्रदेश में सत्ता विरोधी माहौल बन चुका है, इंतजार चुनाव का है। चुनाव के बाद राज्य में बदलाव होना तय है। राजस्थान में बीते 2.5 दशकों से हर 5 साल में सत्ता एक बार बीजेपी की, एक बार कांग्रेस के हाथ में रही है। इनमें दो ही नेता बीजेपी से वसुंधरा राजे व कांग्रेस से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। अभी कांग्रेस की गहलोत के नेतृत्व में सरकार और भाजपा की कमान परोक्ष रूप से वसुंधरा राजे के हाथ में ही है। भले ही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व प्रदेश अध्यक्ष पद पर अन्य नेता बैठा हो, बीजेपी को यह तय करना बाकी है कि वसुंधरा राजे को भावी मुख्यमंत्री घोषित कर चुनाव में जाएगी या फिर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। बीते 1 साल से बीजेपी राजस्थान के अंदर गुटबाजी खत्म करने की कोशिश में लगी हुई है। सबसे पहले सतीश पुनिया को अध्यक्ष पद से हटाया गया, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ उनकी अनबन जाहिर हो चुकी थी। वसुंधरा विरोधी दूसरे सबसे बड़े नेता गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाकर राज्य की राजनीति से किनारे कर दिया गया। राज्य के बड़े जाट नेता जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बना दिया गया। ये सारी कोशिश राजस्थान में गुटबाजी को खत्म करने के चलते की गई है और इसका फायदा भी मिलता दिख रहा है। एक ओर बीजेपी एकजुट होती दिख रही है, दूसरी ओर कांग्रेस के अंदर का झगड़ा अब सड़क पर आ गया है। राजस्थान में बीते विधानसभा चुनाव में 280 विधानसभा में कांग्रेस ने 100 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। बीजेपी को 73 सीटें मिली थी, भाजपा को 38.77% वोट, कांग्रेस को 39.30% वोट मिले थे। बीएसपी को 6, माकपा को 2, आरएलपी को 3, बीटीपी को 2, आरएलडी को 1-1 सीट मिली थी। 13 निर्दलीय भी चुनाव जीते थे, जिनमें से अधिकांश कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। सिर्फ तकनीकी रूप से उन्होंने कांग्रेस सदस्यता नहीं ली है, लेकिन कांग्रेस खेमे के विधायकों की चिंता सर्वे रिपोर्ट ने बढ़ा रखी है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि सीएम गहलोत ने जो सर्वे कराया, उसमें 60% विधायक हारते दिख रहे हैं। लेकिन परेशानी यह है कि उनके सर्वे पर ही सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि गहलोत के सर्वे में पायलट समर्थक सभी विधायक चुनाव हार रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज़।